दोस्तों, आज इस वीडियो में हम छत्रपति श्री शिवाजी का जो जिम बनाया गया है BHU में, ये सिर्फ BHU के छात्रों के लिए है। मैं आज उसका दिखाने की कोशिश करूंगा। अंदर क्या क्या चीज़ें रखी गई हैं। ये बाहर का गेट है और बाहर का रोड है, जहां पे आप अपनी साइकिल या बाइक खड़ी करके अंदर आएंगे। अंदर वैसे जो लड़का घुस रहा है, वैसे आप घुसते ही आपको राइट साइड जाना है, जहाँ वो भाग के जा रहा है वैसे ही भाग के पहुँचते ही आप पहुँचेंगे जिम में। डायरेक्ट जिम में बहुत अच्छी सुविधा दी गई है, वेंटिलेशन के लिए ढेर सारी खिड़कियां हैं और ट्रेनर भी लगे हुए हैं। सामने मैं बता दूं कि जो रजिस्टर रखा हुआ है उस पर आप एंट्री करोगे। और इस जिम का एक ख़ास नियम है, जो कि इन दादा ने मुझे बताया कि यहाँ का यही नियम है कि आप छात्र हैं तभी आ सकते हैं, और छात्र भी हैं और बिना ड्रेस कोड में नहीं है। ड्रेस कोड मतलब लोअर पहनिए, ऊपर कुछ ढीला सा टी शर्ट पहनिए, तभी जूता पहनिए, तभी आप यहाँ पे जिम करने के लिए आ सकते हो। दोस्तों, यहाँ पे पासबुक दिखाने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप अपना नाम करो, सिग्नेचर करो और जिम करो और चले जाओ। चीज़ें एकदम व्यवस्थित ढंग से दी गई हैं, जैसा कि नॉर्मल एक जिम में, पेड जिम में दिया जाता है, बल्कि कुछ ज़्यादा ही व्यवस्था यहाँ पर, कुछ ज़्यादा ही जगह यहाँ पर दिया गया है। BHU में इंडोर गेम काफ़ी प्रचलन में है। इंडोर गेम्स के लिए नए नए स्टेडियम, जैसे राजपूताना ग्राउंड के बाहर भी स्टेडियम बनाए जा रहे हैं। ऐसे ढेर सारे स्टेडियम पहले से बने हुए हैं और संचालित हैं। अब हम जिम से बाहर निकलेंगे। आप जिम करके बाहर निकलेंगे तो आपको बाहर एक बढ़िया सा गार्डन दिखेगा, पार्किंग के लिए जगह दिखेगा, और दूसरी चीज़ वहीं पर आपको बाथरूम करने के लिए भी फैसिलिटीज़ वहाँ पर उपलब्ध हैं। तो आप क्या करोगे, आप जिम करोगे, बाथरूम करोगे और वापस चले जाओगे। हाँ, एंट्री करना, आने का और जाने का दोनों। जिम से बाहर निकलेंगे आप, आपको मैं जैसे बताया था कि आप जाते ही राइट मुड़ोगे, जहाँ से वो लड़का शुरू में भाग रहा था, तो आप ऐसे ही जाओगे तो यहाँ पे छत्रपति श्री शिवाजी महाराज का यहाँ पे स्टैचू बना हुआ है, स्मारक है। स्मारक के ही नाम का, उनके ही नाम का ये जिम रखा गया है। जिम का एक्चुअल लोकेशन ब्रोचा ग्राउंड, फैकल्टी ऑफ साइंस का ब्रोचा ग्राउंड, उसके बगल में ये जिम है। जिम अगर आपको एक तरह से और बताऊँ तो फैकल्टी, जो लेक्चर थिएटर है फैकल्टी ऑफ साइंस का, कॉमर्स का जो फैकल्टी है उसके पीछे ये बना हुआ है। तो दरअसल ये बहुत ही विशाल और एक आलिशान बिल्डिंग, जो कि BHU के जिम को दर्शाता है कि हाँ, अंदर इतने छात्र यूनिवर्सिटी के जिम एक साथ कर सकते हैं। ऐसे भी स्विमिंग पूल की सुविधा है, स्विमिंग पूल की A1 सुविधा, जहाँ पे हमारी चीफ प्रॉक्टर भी जाकर के नहाते हैं, नहाती थी, अब पता नहीं मैम नहाती हैं कि नहीं नहाती हैं, लेकिन काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ पे प्रचलन में हैं। आप भी इस पे अपना सहयोग दें। ऐसे ही डाक करके आपको आना है, जाना है, तोड़ फोड़ न मचाएँ, गाड़ी खड़ा करें, गाड़ी में लॉक लगाएँ। सामने जम्मू कश्मीर बैडमिंटन हॉल है, इसको भी दिखाया जाएगा वीडियो में, एकदम चाँप के देखिए, कोई दिक्कत नहीं है। BHU के एंट्रेंस एग्ज़ाम क्वालिफाई करिए। ये तो सिर्फ एक वीडियो था जिसमें हम लोगों ने दिखाया कि ये जिम कैसा दिखता है, आलिशान सा जिम। देखो, चारों जो ऊपर पिलर दिए हुए हैं वो सिर्फ एक साइड दिख रहा है जिम का, स्लोप है, बर्फबारी हो तो उस पर स्लोप गिर जाता है, उस तरीके का ऊपर का स्लोप बनाया गया है। दोस्तों, इससे रिलेटेड ढेर सारे वीडियोज़ पड़े हुए हैं, एंट्रेंस एग्ज़ाम UG PG नेट JRF जो भी क्वालिफाई करना है, कई सारे लोगों के इंटरव्यूज़, एलुमनाई टॉक, कैंपस किस्सा, और प्रीवियस ईयर पेपर से हम नवाजते हैं लोगों को। तो हमारा शुक्रिया अदा ना करें, वीडियो को लाइक करें और हमेशा चैनल पे ऐसे ही जमे रहें। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। दिस इज़ हिमांशु मिश्रा।